हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान और आप देख रहे हैं क्रिकेट बॉक्स चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये ट्राइपॉड दिखाऊंगा। तो ये आप ये देख सकते हैं जे मेरी का ट्राइपॉड है। तो चाइना से जो सामान आया था तो ये उसी में ट्राइपॉड आए थे। दो ट्राइपॉड आए थे जे मेरी के। तो आज मैं इसकी जो छोटा वाला है, जो स्मॉल है, तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैंने आपको मैं भी बताऊं कि मैंने भी इस ट्राइपॉड को नहीं देखा है। तो मैंने इसको सर्च किया तो मोबाइल के ऊपर मैंने देखा इसको और draz.com पे भी देखा मैंने इसको। तो उसकी प्राइस वगैरह भी मैंने वहां देखी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और मैं भी देखता हूं और आप भी देखते हैं किस तरह का ट्राइपॉड है। तो चलते हैं अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों ये हमारा बॉक्स है। तो ये आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर भी ये लिखा गया है। तो इससे मुझे पता चला है जे मेरी का ट्राइपॉड है। तो चलते हैं जल्दी से, बॉक्स को ओपन कर लेता हूं मैं। तो काफी अच्छी इसकी पैकिंग हुई हुई थी। तो ये मैंने खोल लिए तो इसके अंदर से हमें, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जे मेरी का ये बॉक्स मिला है। तो इसके ऊपर लिखा गया है प्रोफेशनल ट्राइपॉड। और यहां आप ये देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है। तो चलते हैं पहले बॉक्स से इसको बाहर निकाल लेते हैं। और यहां आप ये देखेंगे तो इसमें कलर भी है, तो ब्लैक, रेड और ब्लू। तो ये हमारे पास रेड कलर में। तो हमें ये पाउच में मिलता है, तो इसका ये कैरिंग पाउच है। तो ये आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर भी जे मेरी की ब्रांडिंग हुई हुई है। तो ये आप ये देख सकते हैं इसके लिए कुछ मैनुअल दिया गया है, तो आपको यूज करने के लिए इसको। तो ये सब कुछ इधर चाइनीज और इंग्लिश में है तो हम इसको रख देंगे। तो ये है हमारा ट्राइपॉड। तो दोस्तों ये आप ये देख सकते हैं। तो चलते हैं मैं इसको आपको जो है लेग वगैरह इसके खोल के और इसकी हाइट वगैरह सब कुछ ये चीजें आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैं सबसे पहले आपको ये चीजें दिखा दूं। तो इसके साथ ये कुछ हमें कार्ड्स मिलते हैं। तो ये कार्ड्स सारे जो है वो चाइनीज में लिखे हुए हैं, तो ये आप ये देख सकते हैं। और ये आप ये देखेंगे तो यहाँ भी इसकी जे मेरी की ट्राइप ब्रांडिंग हुई हुई है। और इस जगह पे भी आप ये देखेंगे जे मेरी की ब्रांडिंग हुई हुई है। और यहां देखेंगे तो आप इसका ये मॉडल लिखा गया है, तो ये आप ये देख सकते हैं इसका ये मॉडल लिखा गया है KP2234। तो 2234 इसका जो है वो मॉडल नंबर है। और ये आप ये देख सकते हैं रेड कलर में। इसके आप ये लेग के नीचे इसके देखेंगे तो ये मूव होते हैं। तो ये आपकी जो जगह होती है, तो अगर वो जगह एक जैसी भी नहीं होती है तो ये जो इसके जो मूव कर रहे हैं ना, ये उसको एडजस्ट कर लेते हैं जगह को। तो चलते हैं मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये फुल मेटल में बना हुआ है और बहुत ही हैवी ट्राइपॉड है। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज जो है, इसका जो माउंट करने के लिए मोबाइल होल्डर नहीं मिलता। तो ये जो ट्राइपॉड जो बने तो ये DSLR के लिए बने, तो ये काफी हैवी ट्राइपॉड है। तो इसकी वजह से इसके साथ हमें मोबाइल के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये DSLR के लिए है। लेकिन आप इसको मोबाइल के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक मोबाइल होल्डर ले लें आप तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आप ये देखें तो ये उसी तरह का जो जैसे हर ट्राइपॉड में होता है, तो उसी तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर आप ये देखेंगे तो यहां मैं आपको ये दिखा दूं, बबल लेबल दिया गया है, तो आप इसको इसकी मदद से जो है सीधा खड़ा कर सकते हैं। और यहां आप ये देखेंगे तो एक ये हैंडल दिया गया है, तो जिससे आप इसकी हाइट को ऊपर बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। और तीन इसके ये स्टेप दिए गए हैं, तो तीन स्टेप में आप इसका इसके लेग को ओपन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो वो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। और यहां आप ये देखेंगे तो इसके लिए एक ये हुक दिया गया है, तो आप अपना बैग वगैरह या कैमरा वगैरह भी यहां इसको हैंग कर सकते हैं। और ये आप ये देखेंगे तो इसको यहां से आपने इसको ये टाइट किया तो अब ये हिलेगा नहीं। तो ये आपको ठीक से दिखा दूं, यहां इसको आप जरा सा लूज करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। और जब आप इसको खोल लेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे तो फिर ये मूव नहीं होगा, फिर ये अपनी जगह पर आ जाएगा। यहां से इसको आप ये देखेंगे तो ये ग्रिप दी गई है पकड़ने के लिए, तो यहां सॉफ्ट रबड़ लगाया गया है, तो जिसकी मदद से आप इसको पकड़ सकते हैं।
और आपको मैं एक ये इसकी हाइट के लिए खोलने के लिए दिखा दूं, तो यहां से आप इसको थोड़ा सा लूज करेंगे और इसकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। तो हर चीज बहुत ही अच्छी इसके अंदर लगाई गई है और बहुत ही अच्छे इसके अंदर जो है प्लास्टिक और मेटल यूज किया गया है और हैवी ट्राइपॉड है। और यहां से आपको मैं एक चीज ये दिखा दूं, तो बहुत ही स्मूथ, तो कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ये फंस रहा हो, कहीं अटक रहा हो, तो कहीं झटके मार रहा हो, तो आपकी जो अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल इजी टू इजी चल रहा है। और यहां से आप इसको लूज करेंगे तो आप अपनी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये हर चीज दी गई है और यहां से आप इसको निकाल के अपना DSLR या मोबाइल होल्डर वगैरह इसको यहाँ लगा के इसको वापस आप इसको अंदर टाइट कर सकते हैं। और आप इसकी हाइट देख लें, ये मेरे कंधे तक आ रहा है, तो तकरीबन ये 4-5 फुट तक के ये ट्राइपॉड है, तो आप इसकी हाइट देख सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्राइपॉड है, तो आप ये सब कुछ इसका देख सकते हैं। मैंने आपको इसको सब चीजें दिखा दी और अब मैं इसको आउटडोर के लिए, अपने आउटडोर के लिए इस्तेमाल करने के लिए इसी ट्राइपॉड को इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोगों ने ये ट्राइपॉड देखा, तो ये आपको मैं इसकी प्राइस बता दूं, तो मैंने इसकी प्राइस Draz.com पे भी देखी और भी बहुत सारी जगह देखी, तो ये तकरीबन 3,000 से 2,500, 2,800, 3,000 तक के ये ट्राइपॉड लगा हुआ है। तो इसका मॉडल नंबर मैंने आपको बताया, 2234 इसका मॉडल नंबर है, तो ये 2600, 2800, 3,000 तक के ये ट्राइपॉड लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों जब ये चाइना से ट्राइपॉड आया था तो मैंने सिर्फ इसके 1,500 रुपये इसके अदा किए थे, तो इसकी पेमेंट जो हुई थी वो 1,500 रुपये मैंने दी थी। तो आप ये देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये ट्राइपॉड है और सिर्फ 1,500 रुपये में मुझे चाइना से आके जो है 1,500 रुपये में पड़ा था। तो आप लोगों ने ये ट्राइपॉड देखा तो आप लोगों ने मुझे जरूर कमेंट्स में बताना है कि ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा और प्राइस के हिसाब से ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा। तो 1,500 रुपये इसकी जो प्राइस है वो मैंने पे की है, तो 1,500 के हिसाब से आप देख सकते हैं ये ट्राइपॉड मुझे 1,500 रुपये में पड़ा है। तो आप लोगों ने मुझे जरूर कमेंट्स में बताना है कि ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा इसकी प्राइस के हिसाब से, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने देखी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये ट्राइपॉड आपको कैसा लगा और वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से अब जा चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।